हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ हेयर कटिंग का, जो कि वी हेयर कटिंग है और आपकी लेंथ बहुत ही कम शॉर्ट होगा और कटिंग भी बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं, इस जो है मेरी क्लाइंट का हेयर काफ़ी लंबा नहीं है, मीडियम में है, तो देख सकते हैं इनको बहुत ही शॉर्ट नहीं करना था और वी हेयर कटिंग चाहिए था। तो मैं इनकी कम लेंथ को कम ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से मैंने हेयर कटिंग किया है। तो चलिए आज मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से, अगर आप बिगिनर्स हैं तो किस तरह से आप हेयर कटिंग करें कि आपकी लेंथ आपके क्लाइंट का बहुत ही कम जाए और काफ़ी अच्छा वी सेप हेयर कटिंग आप कर पाएँ। तो चलिए समय न गवाते वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो आपको बाल को गीला करना है, एकदम टेंगल फ्री करना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उसको रिमूव कर लेना है, मतलब कट कर लेना है, और उसके बाद आपको सीधी मांग से बाल को स्ट्रेट झाड़ना है और पतले पतले लेयर लेके आपको खड़ी कैची करके तिरछा हेयर कटिंग कट करना है। आपको लेंथ पूछ लेना है कितना शॉर्ट आगे से जाए, उस हिसाब से आपको कट करना है। आगे से जो लेंथ कट कर लेंगे वो हमारी गाइडलाइन होगी। अब वहाँ पे कट किए तो उससे मैं नीचे के साइड कट कर रही हूँ कि थोड़ा उससे बड़ा ही लेंथ आए, तो उतना शॉर्ट मेरे जो मेरी गाइडलाइन है उतना मेरा हेयर शॉर्ट होगा, उसके बाद मेरी जो हेयर होंगे उससे लंबा ही होंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ और अपने हाथों में ग्रिप बना के कैंची से इस तरह से तिरछा कट कर रही हूँ, जो कि वो वी शेप में ही आ जाएगा अपने आप, देख सकते हैं। तो आपको बीच वाला जो हेयर है वहाँ पे बहुत हल्का सा आपको स्टेप करना है, देख सकते हैं ये बीच वाला हेयर मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से आपको पतला हाथ में फंसा के ग्रिप बनाना है और बहुत हल्का सा तिरछा शेप दे देना है, क्योंकि वो पीछे वाला बीच वाला जो हेयर रहेगा उसी से हमारा लेंथ बना रहेगा और बीच का लेंथ उसी से रहेगा। तो आपको शॉर्ट कर देंगे तो आपका यू शेप में आ जाएगा, वी शेप नहीं आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट तरफ चलते हैं, इधर तरफ जितना शॉर्ट उधर किए हैं इधर भी वही कर लेंगे। तो ये हमारी गाइडलाइन हो गई, अब हम इसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे और इधर कट करेंगे, जो कटे हुए हेयर हैं उनको थोड़ा सा इसमें ले लेंगे ताकि हमको पता चले कि ये हमारी हेयर जो कटे हुए हैं, देख सकते हैं इधर जितना कम कटा हुआ है वो उधर साइड कटिंग वाले हेयर हैं। तो आपको दोनों मिक्स करने के बाद पता चलता रहेगा कि हमें कितना इसे शॉर्ट नहीं करना है, उसी हिसाब से आप काम करते चलेंगे, देख सकते हैं। आपको गाइडलाइन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका काम काफ़ी फिनिशिंग के साथ होगा, देख सकते हैं मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, एकदम तिरछा कर रही हूँ। बस 2 मिनट में हेयर कटिंग कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम चेकिंग करेंगे, कहीं भी अगर एक्स्ट्रा हेयर छूट रहा है तो उसको हम फिर से चेक करके कटिंग को बराबर देंगे। आपको कटिंग करते वक्त इस बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि कटिंग करने के बाद आपको चेकिंग जरूर करना है कि कहीं से आपके हेयर छूट तो नहीं गए हैं, तभी आपकी कटिंग में फिनिशिंग आएगी। और मैं जो कटिंग कर रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ करती हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे पार्लर में काम करते हुए और काफ़ी वी सेप यू सेप हेयर कटिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, लेयर सेप, बाकी और कटिंग कम आते हैं पर ये सब कटिंग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से कटिंग करती हूँ मैं बहुत, क्योंकि आज मुझे 8 हेयर कटिंग करना था, 8-9 बच्चियाँ थी उनका हेयर कट करना था, तो मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी सबका कटिंग करके की हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, तो आप भी इस तरह से बहुत कम समय में एक अच्छा हेयर कटिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उस पर भी विजिट करिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिएगा। तो देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर मैंने दोनों पिक लगा दी हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मेरे वीडियो को दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।